दिस इज़ वन साइड लव और नॉट का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। और ये एक ना सियानवांग FF है। और इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मतलब साउ सिंचन था वो तो सुयंग के साथ बात कर रहा था कॉल पर, और ये तीनों ना सुन रहे थे, मतलब हमारे वैन सिचेन, जियांग चेन और विहिंग। और हमारे विहिंग के फेस पर ना अचानक ही मतलब उसको पता लगे बिना ही ना एक स्माइल आ गई थी। और ये दोनों तो शॉक्ड में खड़े थे कि क्या ऐसा है, लैंसन विहिंग को पसंद करता है। ये दोनों ऐसा सोच रहे थे मन में, उन दोनों का ऐसा चल रहा था। लेकिन ना वो दोनों ना साउथ इंडियन को कुछ नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते। और वो ना जल्दी से ना अंदर आ जाते हैं कि वहाँ पर रिश्ता ना तय हो गया हो करके, मतलब क्या होगा पता नहीं करके वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि हमारा लैंसन बेचारा ना वो बहुत मतलब घबराया हुआ था कि क्या होगा क्या नहीं, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, किसी को बता भी नहीं पा रहा था। उसका एक्सप्रेशन ना मतलब देखने लायक था, वो ना हंस नहीं पा रहा था, रो नहीं पा रहा था, खुश हो नहीं पा रहा था, गम जता नहीं पा रहा था, कुछ नहीं, वो एकदम ना स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। और जो वे पूछ रहे थे उसका जवाब दे रहा था। तो हमारे जो कुरियन है ना वो ना इस रिश्ते से तो खुश हो गए थे, मतलब इसका रिश्ता मतलब नहीं हुसैन का रिश्ता जो था ना उससे तो वो खुश हो गए थे। तो वो ना मतलब सिचेन को लग गया था कि फादर यहाँ पर हाँ ना बोलते हैं। तो हमारा जो सिचेन है ना वो कहता है कि फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बोलते हैं। तो हमारा जो मतलब सॉरी हमारे जो लाइन कुरियन है ना मतलब वो कहते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बाद में बात कर लेंगे। तो हमारे सिचेन कहते हैं फादर बहुत ज़रूरी बात है, प्लीज़ बोलता है। तो ना कुरियन क्या बोले, तो हमारे जो कुरियन है ना वो जियांग सॉरी सिचेन के साथ चले जाते हैं। और हमारा जियांग चेन ना लैंसन को देख रहा था, उस बेचारे का एक्सप्रेशन देख रहा था, वो एकदम स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। और लैंसन को बहुत डर लग रहा था कि हाँ ना हो जाए, मेरी शादी तय ना हो जाए, उसको बहुत घबराहट हो रही थी। तो क्या होता है कि हमारे सिचेन जो है ना वो ना मतलब कुरियन को रूम में लेकर आते हैं। और वो कहते हैं कि फादर आप ना इस रिश्ते के लिए हाँ मत बोलिए अभी, आप ना सिर्फ कह देना कि हम बाद में बताएंगे। तो कुरियन कहते हैं कि ऐसा क्यों, ये तो अच्छा रिश्ता है, मुझे तो पसंद आया है, तो ऐसा क्यों करूँगा। तो हमारे जो सिचेन है ना वो बोलते हैं कि फादर मैं बाद में बताऊँगा ना, अभी आप लोग उनको वेट करवाना ठीक नहीं रहेगा, आप ऐसा बोल दो कि हम लोग लैंसन से पूछकर आगे की बात तो करेंगे, ऐसा बोल दो। तो कुरियन कहते हैं कि हाँ ठीक है, बोलते हैं, मतलब वो भी थोड़ा समझ रहे थे कि कोई तो बात है। तो ना कुरियन आते हैं और ना वो ना मतलब न्यू हुसैन को और उसकी फैमिली को बोलते हैं कि हम ना मतलब लैंसन से बात करेंगे, उसके बाद है ना आप लोगों को बता देंगे कि लैंसन को ये रिश्ता पसंद है कि नहीं, मतलब अभी शायद वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा होगा, ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग भी समझते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, बोलते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बवाल होगा। तो बवाल की स्टार्टिंग होती है, तो हमारे कुरेन चिल्ला रहे थे सिचेन तूने मतलब तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम अभी रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकते, वो रिश्ता तो कितना अच्छा था, मतलब वो पर्सन भी बहुत अच्छा था जो था ना हमारा न्यू सैम, वो भी बहुत प्यारा था, वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लफा लग रहा था। तो तूने रिश्ते के लिए मना क्यों करवाया, मतलब अभी के लिए ना क्यों करवाया, बोलते हैं। तो सिचेन कहते हैं कि नहीं फादर कुछ नहीं, मुझे ना वो रिश्ता ठीक नहीं लगा, बोलते हैं। मतलब उन्होंने नहीं बताया कि लैंसन के मन में क्या है, लेकिन फैमिली वालों को तो पता तो लगना ही है, तो बाद में पता लगेगा। तो हमारे जो कुरियन है वो कहते हैं कि तुम्हें कहाँ से लगा कि वो रिश्ता ठीक नहीं है, वो रिश्ता ठीक ही तो था। तो ना हमारे जो
सिचन है ना, वो कहते हैं कि नहीं फादर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे वो रिश्ता ठीक नहीं लगा, लैंसन के लिए बोलते हैं। तो वो ना पुरन कहते हैं कि हाँ ठीक है जो मर्जी वो करो बोलते हैं, और ना वो वहाँ से चले जाते हैं गुस्से में। हमारा लैंसन सोच रहा था कि आज तो भैया ने बचा लिया, नहीं तो मेरा रिश्ता तो तय ही हो जाता, और उसके मन में ना थोड़ा आराम था। लैंसन अपने रूम में चला जाता है और साउथ सिंचन भी इसके पीछे आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ, तेरा रिश्ता तय तो नहीं हो गया ना? तो हमारा लैंसन कहता है कि नहीं हुआ, भैया ने बचा लिया, पता नहीं क्यों उन्होंने मना कर दिया। तो हमारा जो साउथ सिंचन है ना वो खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तेरा रिश्ता नहीं हुआ। तो हमारा लैंसन भी कहता है कि मैं भी खुश हूँ बोलता है, और उसके चेहरे पर ना एक स्माइल आ गई। तो वहाँ पर ना हमारा जो जियांगसेन है ना वो आता है और वो कहता है कि लैंसन तुम आज तो बच गए, कब तक बचोगे? तो वो हमारा लैंसन ना शॉक्ट हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो बोलता है। तो हमारा जो जियांगसेन है ना वो कहता है कि साउ सिंचन तुम बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि हाँ ठीक है बोलता है और साउ सिंचन को भेज देता है। तो हमारा जियांगसेन ना वो कहता है कि लैंसन तुम मुझे सच सच बताओ, तुम किसी से को मतलब पसंद करते हो, किसी से प्यार करते हो क्या? तो हमारा लैंसन ना इसे तुतराने लगता है और कहता है नहीं, तो सब कुछ नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा बोल रहा था। तो हमारा जो मतलब सॉरी हमारे जो जियांगसेन है ना वो कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो बोलता है। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि क्या सच बोलूँ, कुछ तो झूठ नहीं बोल रहा ना बोलता है। तो वो ना हमारा जियांगसेन कहता है कि तुम क्या मेरे भाई से प्यार नहीं करते? हमारा लैंसन ना उसकी तरफ देखने लगता है और ना शौक से उसकी आंखें ना बड़ी बड़ी हो गई थी, और वो कहता है कि आपको कैसे पता चल रहा बोलता है। तो वो ना हमारा जो जियांगसेन है ना वो कहता है कि तुम ऐसे दोस्त अपने पास रखोगे जियांग सॉरी साउ सिंचन की तरह दोस्त, तो किसी को भी पता लग जाएगा। तो हमारा लैंसन कहता है कि कैसे, मतलब उसने क्या किया? तो हमारा जो मतलब जियांगसेन है ना वो कहता है कि ये ना चिल्ला चिल्ला अगर बात कर रहा था गार्डन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ कि लैंसन उससे प्यार करता है और शादी किसी और से करने वाला है, ये सब वो रहा था तो मैंने सुन लिया। तो हमारा लैंसन सोच रहा था कि क्या ये ऐसा कर रहा था, ये मेरे को मरवाएगा। तो हमारा जो जियांगसेन है ना वो कहता है कि लैंसन तुम क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते थे कि मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा या फिर मैं तुम्हें समझूंगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगा जो मुझे नहीं बताया तुमने? क्यों नहीं बताया मुझे क्यों? तो हमारा जो लैंसन है ना वो बोलता है कि मैं आपको कैसे बताता, आपको तो पता है ना मेरा सेहत खराब रहता है, और आप जानबूझकर एक बीमार इंसान के साथ आपके अच्छे से मतलब अच्छे वाले भाई को शादी करने के लिए हाँ थोड़े ही बोलोगे, ऐसा थोड़े ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और वो हमारे मतलब फैमिली रिलेशन का है, आपका भाई है, तो मैं कैसे कहता? और घर वालों को पता लग जाता तो वो क्या सोचते कि लहसन ऐसा कैसे कर सकता है, वो ऐसे किसी को भी पसंद कैसे कर सकता है? और फादर वो तो मतलब लव मैरिज के पूरा ही खिलाफ है, उनको तो पसंद भी नहीं है, और मैं क्या करूं बोल रहा था। तो हमारे लहसन के आंखों में ना मतलब थोड़े से आंसू आ जाते हैं और ना उसके आंखों से आंसू भी गिर जाते हैं। तो हमारा जियांगसेन जो है ना उसके आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम लोग बात कर लेंगे, और तुम मुझ पर भरोसा रखो ना, मैं अपने भाई को पूछूंगा कि वो तुमसे प्यार करता है पसंद करता है कि नहीं,
अगर वो भी तुमसे पसंद करता, मतलब तुम्हें पसंद करता होगा, तो हम लोग तुम दोनों के रिश्ते की बात करेंगे फादर से और बाकी लोगों से। तो ना हमारा जंक्शन ऐसा कहता है, तो लैसन ना उसको हक्का लेता है और कहता है कि आप मुझसे गुस्सा नहीं होना बोलता है। तो हमारा जो जंक्शन है ना, वो कहता है कि नहीं हूँ पागल, प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो इससे मैं क्या गुस्सा करना बोलता है। और हमारा विंग जो था ना, उसकी तरफ दिखाया जाता है, वो ना अपने मतलब जंक्शन के बच्चे के साथ खेल रहा था, वो बेबी के साथ खेल रहा था, और बेबी जो था ना वो बहुत हैप्पी था। और शायद मैंने पहले पार्ट में बताया था कि नहीं ये बेबी गर्ल है कि बॉय, मुझे याद नहीं है। तो ये ना एक बेबी बॉय है शायद, मुझे याद नहीं है, मुझे आप लोग कमेंट में बता देना कि मैंने पहले बताया था कि नहीं। तो ये एक बेबी बॉय है और एक क्यूट सा अल्फा है। तो हमारा जो विंग है ना, उसके साथ खेल रहा था, और बेबी भी ना बहुत हैप्पी था, मतलब अपने अंकल के साथ बहुत हैप्पी था। और हमारा विंग ना मन ही मन में बहुत खुश था। और दिस इज वन साइड लव और नॉट का, यहाँ पर हमें आंसर मिलता है कि ये वन साइड लव नहीं है यार, ये दोनों साइड से है। तो इन दोनों का प्यार तो वो क्या है एक दूसरे से, लेकिन आगे क्या बवाल मचता है वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।